तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड स्टूडेंट एटलस, यानी कि स्टूडेंट एटलस को कैसे पढ़ा जाए। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट एटलस की बुक परचेज करनी होगी, जिससे कि आप उसमें आसानी से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट एटलस पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये जान लीजिए कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, UPSC हो गया, SSC हो गया, UP SSS हो गया, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए, सभी में ज्योग्राफी तो पूछ ही जाती है, जो कि आपकी GS में आ जाती है। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और आपने अगर स्टूडेंट एटलस नहीं पढ़ा है, तो वो आपके लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको स्टूडेंट एटलस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट एटलस ऐसा है, मैप एक ऐसा जरिया होता है जिससे कि जो ज्योग्राफी होती है वो आपके माइंड में एक तरह से छप सी जाती है, उसका चित्र आपके दिमाग में चलता रहता है कि आपने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी। आप नोट से तो पढ़ा हुआ एक बार भूल सकते हैं, लेकिन जो मैप के ऊपर आप कार्य करते हैं, अपना मैप के द्वारा जो आप पढ़ाई करते हैं, वो आप जल्दी भूल नहीं सकते, वो आपका हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टूडेंट एटलस को कैसे एनालिसिस करना है और उसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये स्टूडेंट एटलस की एक ये बुक आती है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की, जो आपको मार्केट से परचेज कर लेनी है, वैसे ऑनलाइन भी आ जाती है। तो इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो आप मैप जो है उसको ड्रा करना सीखिए। अगर आप ड्रा नहीं कर सकते हैं तो एक ब्लैंक बुकलेट आता है मैप का, उसको परचेज कर लीजिए। और जो इसमें दे रखा होता है, जैसे कि ये इंडिया का ही मैप दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा ही है, राजनीतिक है इसमें जो दे रखे होंगे, इसमें बुक में जो दे रखे होंगे, एक तरफ राजनीतिक दे रखा होगा, एक तरफ प्राकृतिक दे रखा होगा। इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स दे रखे होंगे और जो कॉन्टिनेंट्स के महत्वपूर्ण देश हैं वो दे रखे होंगे, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो पढ़ने कैसे हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको वही जो एक ब्लैंक बुकलेट आती है मैप की, वो आपको परचेज कर लेनी है। अगर आप मैप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप जब उस पर भरने लगेंगे मैप को, तो आपको धीरे धीरे आसानी से मैप ड्रा करना भी आ जाएगा। मैप ड्रा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि मैप आपको किस तरीके से ड्रा करना है। तो इस मैप वाइज पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होता है, मैप वाइज पढ़ने से आपको यही फ़ायदा होता है कि ये आपके दिमाग में छप जाता है एक तरह से। जैसे कि इसमें क्वेश्चन अगर आ गया ज्योग्राफी में, इसमें ही देख लो, उत्तर प्रदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश में पूछ लिया कि कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो आपने अगर नोट्स में पढ़ा है तो उसमें आप एक बार बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें पढ़ा है, इसमें देखा है, इसके ऊपर अगर आपने कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश के आसपास कौन से स्टेट हैं, कौन से राज्य हैं, तो आप तुरंत बता देंगे उत्तर प्रदेश के आसपास उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये उत्तर प्रदेश के आसपास राज्य हैं, और एक नेपाल देश भी लगा हुआ है। तो इसे पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं और उनको पढ़िए, और एक ब्लैंक बुकलेट ले लीजिएगा इसकी, मैप की, तो उसमें पॉइंट वाइज पढ़ते जाइए कि ये चीज़ कहाँ पर है, और उसको मैप में नोट कर लीजिए, मैप में कहाँ पर है उसमें देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये इसमें है, सबसे पहले इसमें दे दिया जाएगा इंडिया का ही नक्शा दे दिया गया, एक तरफ दे रखा है प्राकृतिक और एक तरफ दे रखा है राजनीतिक। प्राकृतिक में दे रखा है जितनी प्रकृति के द्वारा चीज़ें हैं वो दे रखी हैं, और इसमें राजनीतिक दे रखा है। इसके बाद अगला आएगा इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ का जो प्राकृतिक है वो दे रखा है, और इधर उसी का राजनीतिक दे रखा है।
तो ये क्या करना है आपको, सिंपली सा इस पे क्या बुक पे या कॉपी पे ड्रा कर लेना है और पॉइंट वाइज उसको फिल करना है। पॉइंट वाइज जब आप फिल करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप फिल करेंगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपके दिमाग में छप सा जाएगा कि ये स्थान इस मैप में इस जगह पर है और इसकी दूरी क्या है, मतलब उसके बारे में जितना भी आप मैप के द्वारा पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट दे रखे हैं इसमें दे रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, उनको समझना है। अब जैसे कि इसमें दे रखा है औसत तापमान, इसमें देख लो, इसमें ये मैप उसी में निकलता है, ये स्टूडेंट एटलस है उसी में निकलेगा, अगर नहीं निकलता है तो ये आप अलग से भी इसको परचेज कर लेना। जैसे इसमें दे रखा है, ये तो भारत का राजनीतिक है, इसमें दे रखा है वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान इंडिया में कैसा रहता है, तो यहाँ पर दे रखा है 27.5 से अधिक, ये डार्क वाला है ये 27.5 से अधिक है वार्षिक औसत तापमान। इसके बाद जो हल्का लाइट है वो है 25.0 से 27.5 तक है, इसी तरीके से सारा क्रमवाइज दे रखा है। इसके बाद है औसत वर्षा, जुलाई में औसत एवरेज कितनी वर्षा होती है वो दे रखी है, ये दे रखी है, जो सबसे डार्क है वो दे रखा है 150 से 250 तक, ये स्थानीय हवाएँ, जब स्थानीय हवाएं चलती हैं तो वर्षा किस क्षेत्र में अधिक होती है, ये सारा इसमें दे रखा है। ये दे रखा है भारत का प्राकृतिक, भारत का प्राकृतिक इसमें दिखाया गया है कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है और गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, मरुस्थल कितना है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मैप से, तो उसमें आपको सारा कुछ दे रखा है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये देखिए इसमें दिखा देता हूँ मैं कौन सा नेशनल पार्क, इससे अगर आप पढ़ते हैं ये देखिए, पहले इसमें दे रखा है इंडिया का भारत सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग, और इसमें दे रखा है भारत रेलवे, इसमें दे रखे हैं जितने भी भारत की सड़कें हैं और अंतर्देशीय जलमार्ग हैं वो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। जब आप इसको ड्रा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ब्लैंक बुकलेट पर इसको ड्रा करके पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे आप कॉपी में ड्रा करना सीख जाएंगे, कॉपी पर जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी से सीख जाएंगे। इसके बाद इसमें दे रखा है भारत रेलवे, इसमें रेलवे के जितने भी रूट हैं वो दे रखे हैं, इनको ट्रैक करना है। जैसे ये दे रखा है उधमपुर का कहाँ है, जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर का पठानकोट से ये कहाँ तक जाता है, जोगिंदर नगर से पठानकोट से कितने रूट निकलते हैं यहाँ से, अमृतसर के लिए जाता है, अटारी के लिए, जालंधर, लुधियाना, इस तरीके से आप उस पर ड्रा करके पढ़ेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पर, यह भारत धर्म और भाषा, इस तरफ दे रखा है भारत धर्म और भाषा, और इस तरफ दे रखा है भारत विरासत, भारत विरासत दे रखा है, मतलब जितनी भी हेरिटेज साइट हैं वो इसमें दे रखी हैं। जैसे ये हो गया हजरतबल श्रीनगर, हजरतबल कहाँ है, श्रीनगर में है, थिक्से मठ कहाँ पे, ये लेह में है, लद्दाख में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, राजस्थान की पहाड़ी किले, मतलब ये सारा इस टाइप से दे रखा है, जो आपको जब आप ड्रा करके पढ़ेंगे तो आपको एकदम से दिमाग में छप जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर है। अगर आप नोट से पढ़ते हैं तो वो तो सिर्फ आप लिखते हैं, वो याद नहीं रहता है उतना अच्छा सा, जितना आप मैप पर ड्रा करके पढ़ेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा। और तो मैप पर ड्रा करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, एक ब्लैंक बुकलेट आती है उसको ले लीजिए, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स से उस पॉइंट को देखिए कि वो पॉइंट किस स्थान का है, किस जगह का है, वो पॉइंट वहाँ से उस स्थान पर नोट कर लीजिए मैप में। जैसे दे रखा है यहाँ पे, ये देख लीजिए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और अगर आप नोट से पढ़ेंगे तो शायद एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने देखा होगा, ये तो आपके दिमाग में छपा ही है, दिमाग में चल ही रहा है कि मैंने भारत का नक्शा देखा था, उसमें कौन सा राज्य कितनी जगह में है, कितना बड़ा है, तो आप तुरंत ही बता देंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, तो इसी तरीके से उसमें जनसंख्या वाइज भी दे रखा है और क्षेत्रफल वाइज भी दे रखा है मैप में, पढ़िएगा उसको और उस पर ड्रॉ करिएगा। और आपके पास नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नोट्स से पढ़कर भी आप मैप बना सकते हैं और अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सा मैप नहीं है तो उसको परचेज कर लीजिए, आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर आप अपने सामने उसको चिपका लीजिएगा, जिससे कि आपकी जब भी नज़र पड़े तो उस मैप पर ही पड़े। बर्ड का भी लीजिएगा, ले लीजिएगा, और इंडिया का भी ले लीजिएगा। तो मैप से पढ़ने का यही एक फायदा होता है कि ये आपके दिमाग से जल्दी से निकलता नहीं है। और ये बुक लेके घर पर रखने का इसका कोई फायदा नहीं, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। और ये हर एग्जाम में लगभग ज्योग्राफी से पूछा जाता है, और ज्योग्राफी याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मैप से पढ़िएगा, मैप से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा। आपने अगर वर्ल्ड मैप रीड किया है, एनालाइज किया है उसके बारे में, तो ये इस टाइप का होता है। अगर आपने इसको पढ़ा है सही से, इसको देखा है सही से, इसके बारे में पूरी जानकारी ले रखी है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो आपके दिमाग में ही चलता रहेगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है। जब आप इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने इसको सही से एनालाइज किया है तो। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने महासागर दे रखे हैं, कौन सा महासागर कितना बड़ा है और कौन सा महासागर कितना छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जैसे कि इसमें दे रखा है उत्तरी ध्रुव दे रखा है, दक्षिणी ध्रुव दे रखा है, अगर आपने इसे मैप से मैप के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव पर क्या क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या क्या है। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा, उससे पढ़िएगा और इस पर फिल करिएगा, जो ब्लैंक आप बुकलेट लेंगे मैप की, वर्ल्ड की और इंडिया की, उस पर फिल करिएगा। इसमें क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ जाते हैं, इसमें देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की तटरेखा से संलग्न आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत की तटरेखा से संलग्न आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और मैप दे दिया जाएगा कि आप इसको बताइए ये कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, का ऑप्शन दे दिया जाएगा महाद्वीपीय जल सीमा, खा ऑप्शन दे दिया जाएगा तलछटी कटिबंध, गा ऑप्शन दे दिया जाएगा समुद्री आर्थिक कटिबंध, घा ऑप्शन दे दिया जाएगा तटवर्ती प्रदूषण कटिबंध। तो आपको अगर आपने मैप एनालाइज किया है, मैप को अच्छे से पढ़ा है, उसको देखा है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया गया मानचित्र में अंकित चार स्थलों में से कौन सा स्थल प्रमुख बंदरगाह है, और ये आपको मैप दे दिया गया इस टाइप का, और ये पॉइंट दे दिए गए, चार ऑप्शन दे दिया गया, का एक, घा दो, घा तीन, घा चार। तो आपको क्या बताना है, अगर आपने मैप पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं, कमेंट में देकर बताइएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में अंकित तीन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा एक घरेलू हवाई अड्डा है, घरेलू हवाई अड्डे को चिन्हित कीजिए। अगर आपने मैप पढ़ा है तो आप बता देंगे, आपके दिमाग में तो छपा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और घरेलू हवाई अड्डा कहाँ पर हैं,
तो इसमें क्या पूछा गया, घरेलू हवाई अड्डा के बारे में पूछा गया, तो घरेलू हवाई अड्डा कहाँ पर है आप तुरंत ही टिक कर देंगे आसानी से। इसके बाद अगर आपको पूरा दे दिया गया, पूरा का पूरा मैप दे दिया गया इंडिया का, और आपसे पूछ लिया गया मानचित्र में अंकित वायुयान उद्योग केंद्र 1, 2, 3 तथा 4 हैं, और नीचे ये कूट दे दिया जाएगा, कूट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, जो कि आपका यूपीएससी और पीसीएस लेवल में बन जाते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन दे दिया गया मानचित्र में अंकित 3 आच्छादित क्षेत्र खाद्य फसल के उत्पादित को दर्शाते हैं, मानचित्र में अंकित 4 आच्छादित क्षेत्र नगदी फसल दर्शाते हैं, मानचित्र को देखकर नगदी फसल उत्पाद करने वाले क्षेत्र को चुनें। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, का 1, खा 2, गा 3, घा 4। इसमें आपको अगर आपने मैप पढ़ा है अच्छे से तो इसको आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से इसको समझा पाएंगे, अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से टिक लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें सारे हर कंट्री के क्या दे रखे हैं, फ्लैग दे रखे हैं, जितनी भी कंट्री हैं उनके फ्लैग दे रखे हैं, और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में, उसकी राजधानी दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, जनसंख्या दे रखी है और मुद्रा दे रखी है। इसको आप लास्ट में दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना, बाकी इसमें बहुत कुछ दे रखा है, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नोट्स को उठा के एक साइड में रखिए, उसके बाद एक मैप लीजिएगा, मैप लेने के बाद में उस पर आप फिल करिए, पुरानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको लीजिएगा, उनको देखिएगा, मैप में सॉल्व करके देखिएगा कि मैप में आप उनको पॉइंट कर पाते हैं जगह पर या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बाकी भी साथियों को शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद।